राजधानी रांची में पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। रांची के नामकुम रोड में जापानी कंपनी ओकाया की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का नया शोरूम का उद्घाटन मेयर आशा लकड़ा ने किया है। मेयर ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने को प्रोत्साहित किया है। वहीं शोरूम की महिला संचालन ने इसे लेकर महिलाओं में जागरूकता की बातें कही है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और जिंदगी की भागदौड़ के बीच पर्यावरण सुरक्षा और बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती तेल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। स्कूटी एक बार फिर से एक आरामदायक दोपहिया वाहन के रूप में लोगों की पसंद बनती जा रही है। 1980 के दशक के बाद हाल के वर्षों में एक बार फिर से स्कूटर के बदले लोग स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का रुझान स्कूटी के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेंड में बदलाव के चलते इस समय देश में बिकने वाला हर चौथा दुपहिया वाहन एक स्कूटी है। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग आज इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे के बारे में जानने को जागरूक हो रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज राजधानी रांची में ओकाया जापानीज कंपनी की स्कूटी जो इलेक्ट्रिक है उसका शोरूम का उद्घाटन रांची के मेयर आशा लकड़ा ने किया है। आशा लकड़ा ने कहा है कि लोगों का रुझान लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं संस्थान के प्रोप्राइटर की ओर से यह दावा है कि यह स्कूटी काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी आरामदायक है, वहीं महिलाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। मैं तो कहूं कि रांची जितना स्मार्ट सिटी हो रहे हैं, यहां के लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं। और इसी स्मार्ट का एक उदाहरण है अभिनव, और उन्होंने आज ये शोरूम का ओपनिंग किया है। और ये चार्जेबल है स्कूटी और 27 किलोमीटर तक जा सकती है 3 घंटे का चार्ज में। तो ये कहीं ना कहीं जो हम सपना देखे थे स्मार्ट सिटी का, वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो मैं तमाम परिवार वालों को हार्दिक शुभकामना करती हूँ कि रांची में और भी ऐसे सीएनजी वाला भी कुछ ऑटो आ जाए, या ये स्कूटी आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, फोर व्हीलर आ जाए, तो रांची की जनता और रांची के लोगों के लिए पॉल्यूशन मुक्त शहर बन जाएगा और सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इंडिया में अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते आई, उनमें से कुछ ही कंपनीज़ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कर पाई और जिनकी बैटरीज बहुत ही रिलायबल है। ओकाया उसमें से एक है, क्योंकि उनकी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो जापान और पूरे एशिया की बहुत बड़ी जायंट है। उसकी लिथियम आयन का जो ग्रेड है वो सबसे टॉप मोस्ट है, जिसको LFP कहा जाता है। वो सबसे अलग चीज़ ओकाया के भारत में होने की ये है कि वो थर्मली स्टेबल है। भारत का तापमान 45 डिग्री है समर के सीज़न में, वेराज स्वीडन का जो एक एवरेज डिग्री पे आ जाएगी तो 25 डिग्री है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना बहुत ही सोच समझ कर उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकली सूट होनी चाहिए, नहीं तो अगर इसको अनमॉनिटर्ड छोड़ दिया जाए फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बात तो ये है कि मैं महिलाओं के नज़रिए से बात करती हूँ कि आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्राइविंग लाइसेंस। अभी देखिए आदिवासी क्षेत्र में देखिए या शहरी क्षेत्र में साइकिल का प्रचलन चल गया है कि भाई हमको लाइसेंस बनाने का झंझट नहीं है, हेलमेट पहनने का झंझट नहीं है। तो आज के मार्केट में महिलाओं को ये बहुत सुविधाजनक चीज़ आ गई है कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आपको डिपेंड होना पड़ता है अपने फैमिली पे, अपने परिवार पे, भाई हमको हेल्प करो, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। और अब वो स्वेच्छा से आ करके अपने पॉकेट मनी से भी सेविंग करके, अपने से खुद से शॉपिंग करके, और वो निकल सकती हैं अपने मार्केटिंग के लिए, अपने काम के लिए। न तो उनको हेलमेट की आवश्यकता है, न उनको किसी लाइसेंस का ज़रूरत है। तो मैं ये चीज़ बहुत सुविधाजनक समझती हूँ, और ख़ास करके मैं ये समझती हूँ हम महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदेमंद ये व्हीकल देगा। इलेक्ट्रिकल स्कूटी में आज मनपसंद रंगों का कलेक्शन है और बेहतर सुविधाओं के साथ काफ़ी आरामदेह इलेक्ट्रिक स्कूटी है। महिलाओं और स्कूल कॉलेजों की लड़कियां स्कूटी को प्राथमिकता दे रही हैं। ऐसे में राजधानी रांची में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर अपना रुझान दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कारों की संख्या भी काफ़ी तेजी से बढ़ सकती है।
मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।